नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनुपाकाश वर्मा। दोस्तों, जिस अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, उसी अफगानिस्तान से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कॉमेडियन निकला था। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता कादर खान की हम बात कर रहे हैं। कादर खान का बचपन बेहद ही मुश्किलों में बीता। उनके माता पिता काबुल यानी कि अफगानिस्तान के रहने वाले थे, लेकिन जब कादर खान का जन्म हुआ तब उनके माता पिता उन्हें लेकर हिंदुस्तान आ गए। कादर खान और उनका परिवार मुंबई के कमाठीपुरा में आकर रुका और उन्होंने मुंबई की सबसे गंदी बस्ती में किराए पर दो छोटे कमरे लिए। कादर खान ने भारत आने की अपनी कहानी एक बार एक इंटरव्यू में बताई थी। उन्होंने कहा था कि उनसे पहले जितने भी भाई बहन हुए सब काबुल में हुए और सब मर गए। कादर खान की मां को लगता था कि काबुल की हवा उनके बच्चों के लिए सही नहीं है, इसलिए वो मर जा रहे हैं। जब कादर खान पैदा हुए तो काबुल छोड़ कई महीनों पैदल चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया। कादर खान ने बताया था कि जहां वो रहते थे वहां देह व्यापार होता था, अपराध का बोलबाला था। उन्होंने बताया था कि मुंबई आने के बाद यहाँ का जो सबसे गंदा स्लम है कमाठीपुरा यानी कि पहली गाली, आज जिसे लोग धारावी बोलते हैं, जो लोग कमाठीपुरा को जानते हैं वो जानते हैं कि उससे गंदा स्लम पूरे विश्व में कहीं नहीं है। हम वहां एक बिल्डिंग में ठहरे, थर्ड फ्लोर पर हमें दो छोटे कमरे मिल गए। कादर खान ने आगे बताया था कि इस तरफ देह व्यापार, उस तरफ देह व्यापार, यहां शराब बनती है, सामने कत्ल होते हैं, दुनिया की कौन सी बुराई थी जो वहां नहीं होती थी। मैं वहां पर बड़ा हुआ। कादर खान का परिवार इतना गरीब था कि उन्हें कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। पिता काम करते थे लेकिन उतने पैसे नहीं मिल पाते थे जिससे खाने पीने का बंदोबस्त हो। तंग आकर उन्होंने कादर खान की मां को छोड़ दिया था। वैसे इलाके में अकेले रहना मुश्किल था, इसलिए रिश्तेदारों के दबाव में कादर खान की मां ने दूसरी शादी कर ली। कादर खान के दूसरे पिता काम नहीं करते थे, इसलिए घर की हालत और खराब हो गई। कादर खान जब 8 साल के थे और शांति की तलाश में हर रोज कब्रिस्तान में जाकर घंटों बैठते थे। उन्हीं दिनों अभिनेता अशरफ खान अपने नाटक के लिए एक बच्चे, छोटे बच्चे को ढूंढ रहे थे जो थोड़ा पढ़ा लिखा भी हो। कादर खान के बारे में जब उन्हें पता चला कि पढ़ने लिखने वाला संजीदा लड़का है, तो वो उनके पीछे कब्रिस्तान तक गए और उनसे पूछा कि क्या वो एक्टिंग करेंगे। कादर खान ने हाँ कर दी और वहीं से उनके अभिनय करियर की शुरुआत हुई। साल 1973 में आई फिल्म डाक से विधिवत रूप से बॉलीवुड में कादर खान ने डेब्यू किया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।